नमस्ते दोस्तों, मनी की रसोई में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको चाट बनाना सिखाया था। अगर आपने हमारा चाट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर मिल जाएगा। तो आज हम दो तरह की चटनी बनाने वाले हैं, हरी चटनी और खट्टी मीठी चटनी। तो सबसे पहले हम हरी चटनी बनाना देख लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम धनिया पत्ता, थोड़ी सी पुदीना पत्ता, 2 से 3 लहसुन, 2 हरी मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो अपने हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। 2 बड़ी चम्मच दही, थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला और सफ़ेद नमक, और इसे पीस लें। हमारी तीखी हरी चटनी तैयार है। तो आप इसे चाट के साथ तो खा ही सकते हैं, इसके साथ साथ इसे टिक्के या कबाब के साथ भी खाया जा सकता है। आइए अब खट्टी मीठी इमली की चटनी देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम इमली को बॉयल कर लेंगे। इसके लिए हम पैन में 2 ग्लास पानी डाल लेंगे। पानी जब खौलने लगे तो इसमें इमली डाल लेंगे। जब इमली सॉफ्ट हो जाए तो गैस को बंद कर देंगे। इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अगर आपकी इमली बीज वाली है तो इसका सारा बीज निकाल लें। अगर बीज वाली नहीं है तो इसे आप डायरेक्ट पीस सकते हैं। चलिए बीज को अब जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। हमने सारे पल्प निकाल लिए हैं, अब इसे हम पीस लेते हैं। इमली को बॉयल करते समय जो पानी बचा था उसे हम इसमें मिलाकर छान लेंगे। हमें इमली का जूस चाहिए। इस तरह से छान कर हम उसका पल्प अलग कर लेंगे। हमने सारा इमली का जूस निकाल लिया है, अब इसका हम चटनी बनाएंगे। उसके लिए हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। छौंक लगाने के लिए हमें चाहिए होगा तेज पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ और जीरा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम सारी सामग्री डाल लेंगे। ध्यान रहे सौंफ आपको बाद में डालना है, क्योंकि अगर हम पहले सौंफ डालेंगे तो सौंफ जल जाएगा, जिससे चटनी का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसमें हम इमली का जूस डाल लेंगे। जब इसमें उबाल आने लगे तो इसमें 50 ग्राम गुड़ डाल लेंगे। गुड़ को हमें अच्छी तरह से गला लेना है। देखिए गुड़ हमारा गल चुका है, चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। हमें इसे इतने पतले में ही उतार लेना है, क्योंकि चटनी ठंडे होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। हमें चाट के लिए पतली चटनी चाहिए। तैयार है दोस्तों हमारी खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी। इस तरह से आप भी इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले किसी डिश के साथ। नमस्ते।